हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। द सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट एंड द लास्ट यूनिट यूनिट 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। टुडेज टॉपिक इज फुल्ली रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस इज आवर 33rd लेक्चर ऑन मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ 32 videos, or you can say lecture. We conclude each and every part of management, each and every aspects of management. With the help of these videos, we conclude the unit from unit 1 to unit 6. And now the last unit of management, that is project management. Today's topic is I already said about quality management. We elaborate each and every aspects of quality management in this lecture. ये मैनेजमेंट का सातवां और अंतिम यूनिट जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग 32 लेक्चरों के सहारे मैनेजमेंट के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जिक्र किए हुए हैं। अभी भी किसी को डाउट लगता है तो वो कमेंट करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई भी सवाल किसी भी यूनिट से, नहीं तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज मैनेजमेंट के इस टॉपिक पे, क्वालिटी मैनेजमेंट के। चलिए, क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज एंड टास्क दैट मस्ट बी accomplished टू मेंटेन अ desired लेवल ऑफ एक्सीलेंस। दिस includes द determination ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड implementing क्वालिटी प्लानिंग एंड assurance एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी improvement। मतलब क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये एक ओवरव्यू है किसके, हर एक एक्टिविटीज़ का, हर एक टास्क का, जो कि मेंटेन होता है किसी भी लेवल पे पहुंचने के लिए, डिजायर्ड लेवल। आप हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट, अगर हमारे कंपनी, हमारे प्रोजेक्ट, हमारे फैक्ट्री, हमारे इंडस्ट्री से अगर मैनेजमेंट मैनेज किया जा रहा है तो वो बिल्कुल 110% एक लेवल तैयार कर पाएगा। ठीक है ना? कौन? वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो एंटरप्राइज। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द डिटरमिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी। क्या इंक्लूड करता है ये क्वालिटी पॉलिसी का? क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग। अगर कोई भी नया सजेशन आया क्वालिटी से रिलेटेड, कोई भी नई चीज़ आई क्वालिटी से रिलेटेड, तो उनको इम्प्लीमेंट कराना अपने कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम होता है। एंड अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कैसे कंट्रोल किया जाए क्वालिटी को और हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे किस्म का, जिसको आप बोलते हैं उम्दा किस्म का बनाना चाहते हैं, ये भी अश्योर किया जाता है। इन जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान होता है। क्या, कौन सा प्लान होता है? लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट या इम्प्लीमेंटेशन थोड़े कम ज़्यादा। वैसा नहीं है कि हम 20-20 साल एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में लगा दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म गोल को थ्रो आउट कर रहे होंगे, किसमें? क्वालिटी मैनेजमेंट में, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। हम लोगों ने अभी जस्ट क्या पढ़ा, एक बार रिवाइंड करते हैं। हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, क्वालिटी मैनेजमेंट एक्चुअली में किस टर्म को डिफाइन कर रहा होता है, कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किस पार्ट को डिफाइन कर रहा होता है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा। किस पार्ट को कर रहा होता है? क्वालिटी पार्ट को,
ठीक है ना। तो कोई होता है प्रोडक्शन पार्ट को, ये क्वालिटी पार्ट को एश्योरेंस देता है कि हाँ भाई मेरा क्वालिटी सही है, ठीक है ना। इस मुद्दे पे क्वालिटी मैनेजमेंट को काम आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम आ रहा है, ठीक है। आगे है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन टास्क एंड एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन प्रोसेस, रिड्यूसेस वेस्टेज एंड इम्प्रूव्स द यूज ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट एनेबल्स बिजनेस टू मार्केट देयर बिजनेस इफेक्टिवली एंड एक्सप्लोइट न्यू मार्केट्स। इट मेक्स इट ईजियर एंड बिजनेसेस टू इंटीग्रेट न्यू एम्प्लॉइज एंड दस हेल्प्स बिजनेस मैनेज ग्रोथ मोर सेमलेसली। इट इनेबल्स अ बिजनेस टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड सिस्टम्स। कुल मिला के क्या है, क्या बेनिफिट्स हो सकता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके, क्या बेनिफिट्स हो सकता है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन टास्क एंड एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ क्वालिटी से रिलेटेड को इम्प्रूव कर रहा होता है। एफिशिएंसी प्रोसेस में वेस्टेज का रिड्यूस करना, इम्प्रूव द टाइम रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसको भी आगे बढ़ाता है। इट एनेबल्स बिजनेसेस टू मार्केट देयर बिजनेस इफेक्टिवली एंड एक्सप्लॉइट न्यू मार्केट, ठीक है ना, एक्सप्लॉइट न्यू मार्केट। इट मेक्स इट ईजियर फॉर बिजनेस, बिजनेस को ईजियर बनाने के लिए। अब स्वाभाविक बात है, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो हमें मार्केट को पकड़ने में या मार्केट पे अपना दबदबा बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इट इनेबल्स अ बिजनेस टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड सिस्टम। अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा होता है इन माध्यमों से। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर की कॉम्पोनेंट्स विच इंक्लूड्स क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस। QM क्वालिटी मैनेजमेंट को चार पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, चौथा क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी प्लानिंग के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड, अ क्राइटेरिया नीड्स टू बी सेट, एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर मस्ट बी रिकग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ प्लान। क्वालिटी प्लानिंग मतलब ये कंट्रोल करता है, क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड, अ क्राइटेरिया नीड्स टू बी सेट, कि किस तरह हम कर रहे हैं प्रोसेस, पहला स्टेप्स क्या होगा, दूसरा स्टेप्स क्या होगा, तीसरा स्टेप्स क्या होगा, ठीक है ना। टू इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, दूसरा पार्ट है। क्वालिटी कंट्रोल इज नीडेड टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेस। ये जांच पड़ताल कर रहा होता है कि कैसा हमारा क्वालिटी है प्रोडक्ट का। इंस्पेक्शन टाइप का या टेस्टिंग इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड डिफेक्ट्स दैट नीड्स करेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि ये क्वालिटी कंट्रोल जो है ये फोकस करता है, अगर मान लो कोई भी चीज़ हम डिफेक्ट है क्वालिटी में, तो क्या होगा, ये बताएगा, उसे आगे बढ़ाएगा कि ये चीज़ के कारण हमारा खराबी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का काम कौन करता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये फोकस रहता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स में। क्वालिटी अश्योरेंस, कंपनीज नीड टू अश्योर डिफेक्ट्स एंड मिस्टेक्स आर प्रोवाइडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड और द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। एंड क्वालिटी अश्योरेंस गारंटीज कंसिस्ट रिजल्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। तो अश्योर कराता है
देख होता है ना कि एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, यही कंपनी बहुत ज़्यादा चल रहा है इस प्रोडक्ट के मामले में। ए बी सी डी कोई प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड कोई हमारा कंपनी है, तो वो अश्योर कर दिया, अश्योर इन द सेंस कि वो अपने लेवल पे एक गोल अचीव कर लिया है कि हमें क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, ए बी सी डी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो ए बी सी डी जो प्रोडक्ट कोई दूसरी भी कंपनी बना रही है, लेकिन क्या है कि वो उतना अश्योरेंस नहीं दे रहा है अपने कस्टमर को जितना एक्स वाई जेड दे रहा होता है अपने ए बी सी डी प्रोडक्ट के लिए अपने पूरे कस्टमर को, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक स्टेप्स है क्वालिटी मैनेजमेंट का। दूसरा, तीसरा क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थ्रू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। द रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड एंड पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन बी मेट। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इज एक्सट्रीमली हार्ड टू डिफाइन एंड इट इज सिंपली स्टेटेड फिट फॉर यूज फॉर पर्पस। इट इज ऑल अबाउट मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनलिटी, डिजाइन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन फॉर क्वालिटी आर लिस्टेड बिलो। अ डिग्री ऑफ एक्सलेंस, कंफर्मेशंस, टोलिटी, फिटनेस, फिटनेस फॉर पर्पस, फिटनेस फॉर यूज, फ्रीडम फॉर डिफेक्ट्स, डिलाइटिंग कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स को लेकर कोई भी कंपनी जितना ज़्यादा एश्योरेंस देगा अपने कस्टमर को, उतना ज़्यादा कस्टमर बिलीव कर पाएंगे, अश्योर हो पाएंगे अपने चाहे एक एग्जांपल ले लो ए बी सी डी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। चाहे कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कंपनी है, ए बी सी डी अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो फिर वो दे रहा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम वर्क एरिया और डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ अ वर्क हु वॉलंटियर मीट्स रेगुलरली फॉर अबाउट एन आवर एवरी वीक टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिजॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो enrich the quality of work life of employee। मतलब क्वालिटी सर्कल क्या है, एक छोटे छोटे एम्प्लॉय को लेके एक सर्कल बना दिया कि भाई आप क्वालिटी कंट्रोल के को असिस्ट करेंगे, देखेंगे। क्वालिटी सर्कल प्रोवाइड अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच, दे सिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द करंट प्रोडक्शन रन एंड इन द फ्यूचर। दे लुक एट द इम्परेटिव इशूज सच एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कौन कौन से इशू को वो रिजॉल्व कर रहा होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजल परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर या देखभाल करता है। द एम्प्लॉय कम टूगेदर वॉलंटरिली टू फॉर्म एसोसिएशन टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अपना अहम भूमिका दे रहा होता है ये क्वालिटी कंट्रोल वाले, क्वालिटी मैनेजमेंट वाले, ठीक है ना, क्वालिटी सर्कल वाले। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स टू इम्प्रूव, टू द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल आर टू डेवलप, इनहेंस एंड यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली डेवलप करना, इन्हेंस करना या यूटिलाइज करना टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आगे है क्वालिटी इंश्योरेंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्लान के बारे में, चेक और डू एक्ट के बारे में करेंगे। इस तरह हमारा क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट हमारा कंक्लूड हो जाएगा, राइट। इसके बाद मात्र 3 या 4 लेक्चर बच रहा होगा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये यूनिट 7th यूनिट को एंड होने में। हमारा ये तीसरा लेक्चर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर और आज का टॉपिक था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट।